बरसों से जो लोग अपने जमा पूंजी कमाई के पैसे को एक एक पैसे एक एक पाई जमा करके जो चिट फंड कंपनियों में जमा किए थे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जमीन बेच के भी कंपनियों में पैसा लगाए थे। बहुत सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो भी रिटायरमेंट के जो फंड आते हैं उसको भी इसमें डाल दिए थे और वो ले के सब भाग गए, जिसका खामियाजा पूरा उनके परिवार के लोग भोग रहे हैं। पहली बार 2 साल के अथक प्रयास के बाद राजनांदगांव में ये पहला केस है जिसमें चिटफंड कंपनियों के पैसे संपत्तियों को कुर करके जो निवेशक है उनके 30% राशि वापस कराई जा रही है। इसलिए मैं सभी अधिकारियों को जो इससे जुड़े थे, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, न्यायालय के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कुर्की का आदेश दिया, तो सभी के प्रति सभी को बधाई और शुभकामना देते हुए और निवेशकों के जो चेहरे में जो प्रसन्नता देखने की मिली वो भी इस त्यौहार के सीजन में धनतेरस के अवसर पर, चाहे वो रामाधार की बात हो चाहे सोनवानी मैडम की बात हो, उसके चेहरे में जो प्रसन्नता दिखाई दे रही है कि कुछ तो राशि मिला, ये बड़ी बात है। ये हमारे लिए मैं नहीं कहता कि ये मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ को उसके तो सभी पैसे वापस होने चाहिए जब किसी प्रकार से जमा हो गया तो, लेकिन कुछ तो वापस कराए इस बात का संतोष है। लेकिन खुशी मुझे तब होगी जब हम पूरी राशि उनका वापस करा पाएँ। लेकिन इस प्रकार के कंपनियों से बच के रहना चाहिए जो हमारी गाड़ी कमाई को लूट के ले जाते हैं और हमारे हमारे परिवार है वो आर्थिक संकट में फंस जाते हैं, तो हम लोगों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ये हम लोगों के लिए सबक है, लेकिन हमारी कोशिश है कि इसी प्रकार से अन्य जो कंपनियां हैं उसकी भी राशि अपने निवेशकों को वापस करा सकें। मैं पूरा पुनः सभी अधिकारियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दीपावली की भी धनतेरस की बधाई और दीपावली की भी सबको बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ऑनलाइन ट्रांसफर का घोषणा कर दीजिए सर, ताकि ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यार रुक रहे हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।